देश का किसान अगर बिगड़ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को चेतावनी है, हम कुछ नहीं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठी सारी सत्संग जी, सम्मानित मंच, सभी हमारे नेतागण, सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो हम उन शहीदों के चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए किसानों को, मजदूरों को, ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, हर उस आदमी की लड़ाई है जो अन्न खाता है, उन सब को बचाने के लिए इस आंदोलन में शहीदी दी है, उनके चरणों में नमन करते हैं। दूसरा दुख है इस बात का कि पूरे देश के अंदर जो व्यवस्था पैदा हो गई है वो हो गई है पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। लेकिन उत्तर प्रदेश दो कदम और आगे निकल गया है, गुंडागर्दी से सत्ता और सत्ता से गुंडागर्दी। और दुख इस बात का भी है कि परमात्मा के बाद अगर कोई बचाने वाला होता है वो सरकार बचाने वाली होती है, वो नेता बचाने वाले होते हैं, दूसरी खुदाई माना जाता है। अगर वही जनता का कत्ल करना शुरू कर दें तो इससे बुरी, इससे निंदनीय, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। अगर कोई अब परिवारों के साथ अफसोस जताने भी आता है, कोई सभा में आना चाहता उसको भी रोक दिया जाता है। 4 तारीख को मैं आने लगा था, मेरठ के अंदर हमें गिरफ्तार कर लिया गया और 10 घंटे तक थाने में बिठा के रखना पड़ा, रखा उन्होंने। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो लोगों ने जाम लगाया, तब रात को 11 बजे यहां से निकाल के और रात को 2:30 बजे कुंडली बॉर्डर पे छोड़ के आए। उसके बाद फिर आना चाहा तो फिर उन्होंने रास्ते में 1:30 बजे गजरौला कला में नाका लगा के रोक लिया और उनसे भागना पड़ा। भेष बदल के निकल गए वहां से और सारी रात परेशान होते हुए, करंट भी एक जगह लग गया था, हमारा मेरे साथ एक साथी था, तार में करंट छोड़ा हुआ था, खेतों से होके जा रहे थे, परमात्मा ने रख लिए, बच गए। भेष बदल के जाना पड़ा, 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल से लोकल रास्तों से निकल के जाना पड़ा। और आज भी मेरे को डाउट था कि हमें जरूर रोकेंगे, आज भी 50 किलोमीटर जंगल के रास्ते से होके आए हैं। साथियों, ये क्रूरता, आज तक मंत्री की गिरफ्तारी ना होना, सबसे बड़ा इस केस का जो मुजरिम है वो मंत्री है और हम मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। षड्यंत्र रचा हुआ 120B का मुजरिम है, कातलों से भी बड़ा मुजरिम है मंत्री, और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए वरना संयुक्त मोर्चा इस पे कड़ा फैसला लेगा, और जो फैसला लेगा फिर वो कहीं ऐसा ना हो सरकार के लिए और भारी पड़ जाए। इतनी गुंडागर्दी इस देश में चलने वाली नहीं है, वो तो कल फिर हमें भी कत्ल करवा देगा। अगर उसकी गुंडागर्दी से डरेंगे वो तो किसी को भी कत्ल करवा देगा। अकाली दल है वो, तो ये किसी हालत बर्दाश्त नहीं होगी। और जहां तक सवाल है कि उससे सरकार जो कर रही है इसको हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख में बांटना चाहती है, धर्मवाद में बांटना चाहती है, जातिवाद पे इस आंदोलन को बांटना चाहती है, ये हमारे पेट का आंदोलन है। पेट हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, सभी का है। ये हमारे पेट की लड़ाई है और हमारी सांझी लड़ाई है, हमारी इकट्ठी लड़ाई है। हम इनके बांटे नहीं बटेंगे। जहां हिंदू का खून गिरेगा, जहां हिंदू का पसीना गिरेगा वहां सिख भाई अपना खून देंगे, और जहां सिख भाई का पसीना गिरेगा वहां हिंदू और मुसलमान भाई अपना खून देने के लिए तैयार हैं। आज हमारे धरनों पर जाके देखिए, सभी अपना अपना योगदान डाल रहे हैं, सभी धर्मों के लोग अपना अपना योगदान डाल रहे हैं। आज की जो श्रद्धांजलि है वो सभी धर्मों के लोग अपने अपने जगह पे पूरे देश के अंदर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो हमें कोई बांटने की कोशिश ना करे। हम सब आपस में भाई भाई हैं और ये आंदोलन जो है ये मानवता का आंदोलन है। चंद लोग पूरे देश के भोजन पे कब्जा करने जा रहे हैं और भोजन, जो भी भोजन खाता है, चाहे वो पैदा करता है चाहे वो खाता है, उन सब का आंदोलन है। और हम एक बार फिर सरकार को चेतावनी देते हैं
कि मंत्री को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लें, कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे, वरना ये देश का किसान अगर बिगड़ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को चेतावनी है, हम कुछ नहीं मांग रहे, उतना ही मांग रहे जितना अपराध किया उतना मुकदमा दर्ज करके उनके जेल में डाल दिया जाए, और वरना कोई कड़ा एक्शन हमें लेना पड़ेगा। इसी के साथ एक बार फिर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।